प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहिब जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। हमारे मनीष जी देवली से, सोनल जी, हर्षा जी कपोपरा सूरत से, परवीन जी सेठी, किरण जी सेठी, सुनीता जी सेठी श्री गंगानगर से, बाला प्रणामी जी श्री गंगानगर से, नरेश प्रणामी जी जयपुर से, मीरा जी अग्रवाल नागपुर से, ममता जी भगत, तन्नू जी प्रणामी श्री गंगानगर से, इंदिरा जी पटेल यूएस से, दिव्या जी खेत्रपाल, और हमारे जगदीश जी, सुभाष जी रिवाड़ी से, अन्नु गर्ग जी श्री गंगानगर से, मीना जी श्रीवास्तव इलाहाबाद से, आरती जी श्रीवास्तव इलाहाबाद से, आइए लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। धाम धनी की अपरंपार कृपा समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है। आइए हम पहले वंदना प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री वंदो सती गुरु चरणिको, करूं सो प्रेम प्रणाम, आशोभरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं बाहे ग्रहे की लाज, मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इशक, ना सेवाना बंदगी ए मेरी बीतक, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फेर, प्यारे मिलू प्यारे पियूसो प्यारी श्री महामती कहें बेर बेर, प्यारी श्री महामती कहें बेर बेर, ज्यारे धनी धनवट करी त्यारे बल बैरी ना हरी, वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साहिब जी, आइए हम अपने सुरता को, चित्तवृत्ति को श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम शिवजी साहिब जी के श्री चरणों में लेके चलते हैं और वहीं पे एक भाव रखते हैं। मेहर बड़ी महबूब की आखंड
अलेखे है सखीरी मिहर बड़ी महबूब की मिहर बड़ी महबूब की आखंड अलेखे है सखीरी मिहर बड़ी महबूब की अंतरी आँखा खोलसी ए सुख सोई देखे है सखीरी मिहर बड़ी महबूब नाथा भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार नाथा भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार इन जुबा के ती कहूं इन मेहर को नाही शुमार मेहर बड़ी महबूब की आखंड अलेखे है सखीरी मेहर बड़ी मह बूब की अंतरी आँखा खोलसी ए सुख सोई देखे है सखीरी मिहर बड़ी मह बूब की बढ़त मिहर बढ़ी कहूँ वारे न पाये पार बढ़त मिहर बढ़ी कहूँ वारे न पाये पार एक ए निर्णय ना हुई वकवाही जाने शुमार मेहर बड़ी महबूब की आखंड अलेखे है सखीरी मेहर बड़ी महबूब की बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय लाडले सुंदर साची मिहर बड़ी महबूब की आखंड अलेखे कितना प्यारा प्रकरण है ना कि धनी जी ने जो परम धाम की आत्माओं पर कृपा की है ना सखीरी मिहर बड़ी महबूब की अखंड देखिए सुंदर साहब जी शिवजी साहब जी फरमाते हैं कि जिस आत्मा पर कृपा होती है ना वो अखंड होती है अखंड का मतलब होता है कभी कम नहीं कभी ज्यादा नहीं जैसे हम अखंड ज्योत जलाते हैं ना तो वो अखंड ज्योत जलती रहती है पूरा टाइम है ना अखंड पाठ में अखंड ज्योत जलाते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं कि ये ज्योत बुझ ना जाए क्योंकि ये अखंड ज्योत है धनी जी कह रहे हैं ना खंडित होने वाली कभी ना खंडित होने वाली अखंड कृपा धनी जी ने ब्रह्मात्माओं पे की है हमारे सारे ग्रुप पे तो भई कर रखी है आप मानो चाहे ना मानो हमारा जितना भी ये ग्रुप वाणी चर्चा सुन रहा है ना उसके लिए तो दृढ़ विश्वास है
और उन पर ये चौपाई लागू होती है कि सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे, एक तो अखंड की है और दूसरा होता है अलेखे, जिसका कोई लेखा जोखा ही ना हो, जो हिसाब किताब में ना आ सके, ऐसी कृपा। पर शिरजी ने अगले चरण में कह दिया, अंतर आंखा खोल सी ए सुख सोई देखे। अरे कोई आत्म दृष्टि खोलेगी रूह तो ये सुख देख सकेगी कि मेरे पर कौन सी कृपा है। देखिए सुंदर साथ जी, ये कितनी बड़ी कृपा है कि धनी ने हमें जब से लॉकडाउन लगा तब से लेकर आज तक धनी की कृपा हमारे ऊपर बढ़ती गई या घटी है, इसलिए ये चौपाई बोली थी कि बढ़त बढ़त मेहर बड़ी। बढ़ते बढ़ते हमारे सुंदर साथ के ऊपर धनी जी की कृपा बढ़ गई, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी अब तो श्री राजजी महाराज स्वयं अपने आभूषणों का दर्शन करवाने लग गए हमें। देखिए वो अक्षराती धाम दुल्हा, वो अपने ब्रह्मात्माओं को अपने खुद के आभूषण दिखा रही हैं, आभूषणों का दर्शन स्वयं करवा रही हैं, और श्री इंद्रावती जी की आत्म आंखों देखा हाल वर्णन करके हमें सुना रही हैं कि देखिए लाडले सुंदर साजी, राजी महाराज का मैं एक एक हार फिर एक एक हार का वर्णन करके आपको सुना रही हूँ। तो लाडले सुंदर साजी, बढ़त बढ़त मेहर बड़ी, बढ़ते बढ़ते धनी की कृपा बढ़ गई, कहूं वार न पाइये पार, कहते जिसका कोई पारा वार नहीं है, एक ए निर्णय में ना हुई। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हर चीज का मैंने निर्णय कर लिया पर श्री राजजी महाराज का कृपा का निर्णय मैं नहीं कर सकी, कृपा का निरूपण मैं नहीं कर सकी, वक्को वाही जाने शुमार, इसका शुमार कहाँ तक है वो ही जाने, क्योंकि जिन दिया सो जानी, या जिन लिया रस रंग, जिन्होंने कृपा करी है या तो वो धनी जी जानते हैं कि हम सुंदर साथ पर क्या कृपा की है, और या जिस पे कृपा हुई है वो आत्माएं जानती हैं कि कृपा क्या चीज है, क्योंकि धनी जी ने अनमोल खजाना तारतम वाणी की चर्चा का रसपान हम आत्माओं को अपना समझ के करवा रहे हैं। साकी पिलावे शराब, साकी कौन है, स्वयं स्वामी श्री प्राणनाथ जी, और ये शराब तारतम वाणी का रसपान वो खुद करा रहे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, धनी जी की मेहरों का हम सुंदर साथ के ऊपर तो कोई पारावार है ही नहीं, है ना, आपको भी लगता है ना कि कितनी कृपा कर दी धनी ने, अब हम धनी के कितने करीब हो गए हैं, आपको नहीं लगता कि हमारे धाम धनी ने हमें कितना नजदीक कर लिया, हमारे अंदर कितना अपनापन आ गया, और अपनापन किस से आया, ये तारतम वाणी की चर्चा सुन सुन के धनी जी ने इतना नजदीक इतना क्लोज कर लिया कि अब तो लगता है कि धनी जी के जितना प्यार करने वाला इस विश्व ब्रह्मांड के अंदर कोई है ही नहीं, वो हमारे इतने करीब हैं। भजन की लाइन में कहते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। जिनके धनी करीब हो जाएं वो कितने खुश नसीब होंगे, है ना सुंदर साहब जी। तो धनी जी ने तो इतनी नजदीकियां दे दी
श्री इंद्रावती जी की आत्म हमें श्री राजजी महाराज के कंठ में पहने हुए हारों का वर्णन करके सुना रही हैं, जो धनी जी ने शिवजी साहिब जी ने वाणी में फरमाया, हार कहे हम हेड़े पर कौन भागे हम। हार कहते हैं कि हम धाम धनी के हृदय के साथ लगे हुए हैं। अरे हमारा भाग्य तो देखिए, हम तो धनी जी के दिल से धनी के हृदय से एक पल भी अलग नहीं होते। हार कहीं हम हेड़े पर कौन भाग हैं हम। देखिए हमारा भाग्य है ना, हम धनी के हृदय से उनके दिल से इतने करीब हैं, दिल के इतने करीब हैं कि छाती के साथ चिपक के रहते हैं। ऐसे हारों का वर्णन हमें धनी जी ने सुनाया कि किस प्रकार से श्री राजजी महाराज के पांच हार आए हैं। एक हार हीरे का आया, और फिर दूसरा हार मानिक का, तीसरा हार मोती का, चौथा हार नीलवी का, और पांचवा हार लसनिया का, है ना। ये हम सुन रहे थे और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। जो सुंदर साथ फेसबुक पे जवाब नहीं दे सकते ना, वो सुंदर साथ सभी व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर करके और पूरे पांच हारों का वर्णन कर करके सुना रहे थे। आज पूरा दिन मैसेज आते रहे सुंदर साथ के कि श्री राजजी महाराज के पांच हार तो सुन लीजिए, है ना। मैंने सभी को बोला आप सब धाम सखी हो, आप सब ने इकट्ठा जवाब दे दिया श्री राजजी महाराज ने पांच हार किस प्रकार से पहने हुए हैं। सीरियल वाइज जवाब दिए जा रहे थे सुंदर साथ। तो सुंदर साथ जी, ये खाली आज जवाब दे के ये ना हो कि कल को पूछा जाए तो भूल जाए। ये हमारी रूह का आहार है, हमारी रूह की खुराक है, श्री राजजी महाराज का श्रृंगार, श्री राजजी महाराज की शोभा, इसको जीवन में कभी मत भुलाना। ये पांच हार तो हृदय के अंदर ऐसे बैठ जाएं, प्राणों से भी प्यारे लगे। ये पांचों हारों को हम निरखते रहें, और कोई चितवनी ना आए तो पांच हार सीरियल वाइज गिन लें कि कैसे कैसे राज्जी के पांच हार आए हैं। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, हम यहां बैठ के श्री राज्जी महाराज के हारों को याद करेंगे ना, तो हार चेतन है, है ना। और वो चेतन है, वो जस्ट उस रूह को देखेंगे कि हमें किसने बुलाया, हमें किसने याद किया। हम एक बार बोलेंगे ना, एक हार हीरे का आया है, तो हीरे का हार तुरंत हमारी तरफ देखेगा, तो फिर हमारे भाग्य का क्या कहना। क्योंकि वो चेतन है, वो बोलते हैं, वो सुनते हैं, वो देखते हैं। श्री राजजी महाराज के वस्त्र, श्री राजजी महाराज के आभूषण सारे तो चेतन है, जड़ थोड़ी है, यहाँ का श्रृंगार थोड़ी है। सुंदर साथ जी, धनी जी ने जो हार पहने हैं, अगर हम एक हार को आवाज लगाएंगे ना, हमारे मुख से भी निकलेगा ना कि श्री राजजी महाराज के हेड़े के ऊपर पहला हार हीरो का आया है। सारे हीरो के जो मोती जड़ित किए होंगे ना, जो डायमंड हार के अंदर जड़ित किए होंगे ना, वो सारे डायमंड हमारी रूह की तरफ देखेंगे कि अरे वाह क्या बात है। आज खेल में बैठ के कौन सी ऐसी आत्म जागृत हो गई जिन्होंने हमें याद किया। हम तो श्री राजजी महाराज के धड़कन के साथ धड़कते हैं, साथ चिपके हुए हैं, है ना। और हम कहेंगे कि अरे वाह, दूसरा हार श्री राजजी महाराज ने मानिक का पहना हुआ है। जैसे ही हम मानिक बोलेंगे तो परम धाम के जो मानिक, जो श्री राजजी महाराज ने हार पहन रखे हैं, मानिक का हार पहन रखा है, तो वो मानिक का हार हमारी तरफ देखेगा, उस रूह को अवश्य देखेगा, जो रूह इन हारों को याद करेगी, जो बार बार इन हारों को निरखेगी देखेगी। क्योंकि जो श्री राजजी महाराज के
वस्त्र आभूषणों को हम देखते हैं ना, तो लाडले सुंदर साथ जी वो वस्त्र आभूषण हमें देखते हैं उसी वक्त, देर से नहीं, हमारे मुख से नाम निकला और हार ने देखना शुरू किया है ना। और हम पांचों हार का वर्णन करेंगे श्री राज जी महाराज का, तो वो पांचों हार इकट्ठे हमारी तरफ देखेंगे। तो हमने सुना ना एक एक हार के अंदर कितनी ज्योति निकल रही है, कितना प्रकाश निकल रहा है। अरे कण जितना भी प्रकाश हमारे हृदय में आ गया ना, तो हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। लाडले सुंदर साहब जी, श्री राजजी महाराज के वस्त्रों को देखना, श्री राजजी महाराज के आभूषणों को देखना, खाली सोचना, खाली आप कलर ही सोचते हो ना वस्त्रों को और आभूषणों का, और कलर सोच के उसकी शोभा को हम अगर देखने की कोशिश करते हैं ना, तो जितना हम देखेंगे ना उससे 100 गुना ज्यादा वो हमारी तरफ देखेंगे कि कौन सी रूह खेल के अंदर बैठ के मुझे याद कर रही है ना। तो लाडले सुंदर साहब जी, ये हार है ना, जैसे श्री राजजी महाराज के हेड़े पे सुंदर लग रहे हैं ना, ये हार हमारे हेड़े के हृदय के अंदर हमेशा के लिए सज जाए। जो जो हम श्री राजजी का श्रृंगार देखते जाएंगे ना सुंदर साहब जी, हमारे पर आत्म वाले तन का भी वो श्रृंगार तैयार होता जाएगा। आत्म फरामोश से जागे के प्रकरण में श्रीजी साहिब जी ने कहा कि जो जो अंग आप श्री राजजी का देखोगे, जैसे आप धनी को वस्त्र पहनाओगे, जैसे आभूषण पहनाओगे, आप श्री राजजी महाराज को श्रृंगार सजाओगे, तो आपका परात्म का तन स्वयं श्रृंगार सजा हुआ आपको दिखाई देगा। सुंदर साहब जी, हमें तो धनी जी को सजाना है, धनी जी को सजाएंगे, धनी जी को वस्त्र आभूषणों से सुशोभित हुए देखेंगे, तो लाडले सुंदर साहब जी हमारा परात्म का तन हमें सजाना नहीं पड़ेगा, हमें भी दिखने लग जाएगा कि मैंने कैसा श्रृंगार सजा हुआ है परम धाम के अंदर, है ना, मैंने कैसे हार पहने हुए हैं। तो लाडले सुंदर साहब जी, ये सुंदर हार आप समझ सुंदर सात, पांच हारों का जवाब मुझे 5 दिन तक देते रहना, ठीक है। कोई ऐसा सुंदर साथ ना हो जिसको श्री राजजी महाराज के ये 5 हार याद ना हो। और जब प्रातःकाल हम सेवा पूजा करते हैं अष्टपहर के समय, प्रातःकाल सेवा करते हैं ना राजजी महाराज की सेवा पूजा, उस समय में समझ सुंदर साथ ये 5 हार श्री राजजी महाराज के गले में चितवनी के द्वारा अवश्य पहनाएं। जब हम चितवनी के द्वारा अपने हाथों से हार पहनाने लग जाएंगे ना श्री राजजी महाराज को, तो ये हमारी होगी इश्क की बंदगी, है ना। ये इश्क भरी बंदगी कब होगी हमारी, जब हम स्वयं श्री राजजी महाराज को हार पहनाएंगे, है ना। भजन की लाइन है ना, तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, कोई हीरा कोई मानिक नील भी जड़ी है, कोई हीरा कोई मानिक नील भी जड़ी है, तेरे श्रृंगार को पाऊं यही मन चाहता है, तेरे श्रृंगार को पाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। ये चाहत रखनी है हमें। और समझ सुंदर साहब, वादा कीजिए धनी जी से कि आज के बाद हम जब भी प्रातःकाल सेवा करेंगे, चाहे हमें कितनी जल्दी हो, पर हम धनी जी आपकी दुल्हन हैं, तो दुल्हन दुल्हा को
कितने सुंदर कितने प्यार से वरमाला पहनाती है ना अपने दुल्हा को। तो हम अपने दुल्हा को नित्य प्रति सेवा के समय जब सिंहासन के ऊपर वस्त्र पहनाएं, आभूषण पहनाएं, जब हार पहनाने लगे ना हमारे घर में, चाहे दो हार हो चाहे दस हो, पर यहाँ के हार पहनाते हुए हम श्री राजजी महाराज के परम धाम के ये हार अवश्य याद करके पहनाएं, चितवनी के द्वारा पहनाएं। तो देखना प्रातःकाल सेवा करते हुए ये पांचों हार आपको मंद मंद मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, आपको ये देखते हुए लगेगा ये हार हमें ही देख रही है ना। ये इतने सुंदर हार हमारी तरफ देख रही हैं। लाडले सुंदर साथ जी पता नहीं कितने प्रतिबिंब उन हारों में दिखते होंगे, हीरे के हार के अंदर। विचार कीजिए, जब हम धनी जी को देखेंगे, धनी जी के स्वरूप को देखेंगे, और जब माला पहनाने लगेंगे ना, ये हार पहनाने लगेंगे ना, तो सुंदर साथ जी वो जो वक्त होगा ना, वो जो पल होंगे ना, धाम की आत्म कहेगी ये पल यहीं ठहर जाएं। कल पहना के देखना श्री राजजी महाराज को, चितवनी के द्वारा पांच हार पहनाना शुरू करना कि पहला हार मैंने अपने हाथों से श्री राजजी महाराज को हीरे का पहनाया, दूसरा हार मैंने सुंदर माणिक का पहनाया, और तीसरा मोती का, चौथा नीलम का, और पांचवा लसनिया का। ठीक है, अब हारों की शोभा को थोड़ा एक चौपाई में और देखते हैं। हारे लसनिया पांचवा कछु ए सुख शोभा और, जानो ज्योत जिमी आकाश में बराए रही सब ठोर, जब नंग देखूं नीलवी जानो यही सुख सागर। लाडले सुंदर साची महान बुद्धि के सागर, आप महामती अक्षरातीत धाम दुल्हा फरमा रही हैं कि हार लसनिया पांचवा कछु ए सुख शोभा और। कहते जो पांचवा हार लसनिया है ना, इसकी शोभा अलग ही तरह की का आनंद प्रदान कर रही है, अलग ही तरह का। जानो ज्योत जिमी आकाश में, कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि इस हार की जो ज्योति है ना, वो आकाश के अंदर जा रही है, आसमान के अंदर जल जलकार कर रही है ना। जब नंग देखूं नीलवी, कहते जब नीलवी नीलमणि के नंग को देखते हैं है ना, जानो यही सुख सागर। तो श्री इंद्रावती जी फरमाती हैं कि लाडले सुंदर साथ जी जब नीलमणि को देखा ना, तो लगा मानो इसके अंदर सागर के समान सुख भरा हुआ है। नीलम का रंग, नीलमणि का रंग इतना सुंदर है। ज्योत मीठी रंग सुंदर, कहते उसमें से नीलवी में से मीठी मीठी ज्योति निकल रही है। ज्योत मीठी रंग सुंदर, और नीलवी का रंग इतना सुंदर है जो राजजी महाराज ने नीलवी का हार पहना है ना। जानो के सब ऊपर, श्री इंद्रावती जी कहती हैं जब नीलवी का हार देखा ना, तो लगा कि नीलम की शोभा तो सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा सुंदर नीलम का हार लग रहा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साहब जी, समय हो जाता है पता ही नहीं लगता। कल हमने पांच हारों का पूछा था कि श्री राजजी महाराज के ने पांच हार कौन से पहने हुए हैं, तो कल की धाम सखी हमारी छोटी सी बच्ची, छोटी सी बच्ची ने अपने मोबाइल से जवाब दिया
जो है जयपुर में रहने वाली धीरज जी परनामी, अनीता जी परनामी की बेटी मान्या। और उन्होंने जवाब दिया कि श्री राजजी महाराज का पहला हार हीरे का है, दूसरा मानिक का, तीसरा मोती का, चौथा नीलम का और पांचवा लसनिया का। बड़े बड़े तो सब जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो छोटी सी बच्ची ने लिख के जवाब दिया, वॉइस मैसेज करके जवाब दिया। तो कल की हमारी धाम सखी है जो पूरे नियम से 6 अप्रैल 2020 से ये वाणी चर्चा शुरू हुई थी, तब से लेकर आज तक ये पूरा परिवार इकट्ठे बैठ के वाणी चर्चा का आनंद लेते हैं। हमारी अनीता जी, धीरज जी प्रणामी, निष्ठा जी, मान्या जी, सक्षम जी, सुनील जी, सुमन जी, तो आप पूरा परिवार बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जो छोटी सी बच्ची मान्या ने ये 5 हारों का जवाब दिया और वो भी पूरे विस्तार से दिया, अच्छे से दिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारी मान्या को परमहंस महाराज श्री जोहरदास जी की तरफ से, धाम धनी जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। धनी जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आप पूरे परिवार को धाम धनी जागृत रखें, हमेशा आपकी आत्मा जागृत रहे, कभी नींद का पर्दा ना आए, है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी इनको बधाई देना, समस्त सुंदर साथ, क्योंकि छोटी सी बच्ची है मान्या जिसने जवाब दिया है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आपको ये बताना है कि जिस प्रकरण पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये प्रकरण कौन सी किताब का है और प्रकरण संख्या क्या है, ये कौन सी किताब चल रही है और प्रकरण संख्या क्या है, दोनों बताना है आपको, ठीक है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए हम चौपाई दोहराएं। जब नंग देखूं नीलवी जानो यही सुख सागर, ज्योत मीठी रंग सुंदर जानो के सब ऊपर, जानो के सब ऊपर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट वीर प्रणाम। कल फिर मिलते हैं राइट 9:30 बजे, और आप मुझे अवश्य बताया करें कि आपको वाणी चर्चा में आनंद आ रहा है या नहीं, वाणी चर्चा समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। और आप परम धाम में नंबर 1 पे रहोगे अगर आपने राज्जी का महाराज का सारा श्रृंगार धनी जी के कहे अनुसार याद कर लिया और उसकी चितवनी करनी शुरू कर दी, देखना शुरू कर दिया, तो देखना धनी जी के सामने हम धन्य धन्य हो जाएंगे। और आप समस्त सुंदर साथ, ये श्रृंगार ग्रंथ की चर्चा है, इसको शेयर करने की सेवा निरंतर करते रहिए। मैं रोज देखती हूँ कौन शेयर कर रहा है और कौन शेयर नहीं कर रहा। मैं तो देख रही हूँ, पर शिवजी साहिब जी भी देख रहे हैं कि 1.5 साल से इन्हें कहा जा रहा है पर ये सुंदर साथ फिर भी शेयर नहीं करते वाणी चर्चा। तो समस्त सुंदर साथ जी, ये सेवा निरंतर कीजिए ताकि कोई ऐसी आत्म ना हो जो इस खेल के अंदर ये वाणी चर्चा सुन न सके और जाग न सके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।